एक्सप्लेन लिनियर एंड एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली में इस मोमेंटम के बारे में हमें फिजिक्स के अंदर पढ़ना है कहाँ पढ़ना है बट फिर भी फिजिक्स में पढ़ेंगे वही केमिस्ट्री के अंदर है तो भी देख लेते हैं कि लिनियर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मास एंड वेलोसिटी फिजिक्स में आपने चैप्टर नंबर एट में पढ़ा था मोशन नाइन्थ स्टैंडर्ड की बात हो रही है नाइन्थ में मोशन करके एक चैप्टर था मास तो आपको पता है ना किसी भी मेटल्स के पास क्या होता है मास वैलोसिटी जब वो मोशन में आता है तो उसका क्या होता है वेलोसिटी तो मास इन वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं क्या बोलते हैं मोमेंटम जब वो लिनियर मोशन कर रहा है लिनियर मतलब सीधी लाइन में मोशन कर रहा है तो उसको लिनियर मोशन बोलते हैं तो उस वक्त जो मोमेंटम मिलेगा उसको क्या बोलेंगे लिनियर मोमेंटम बट लाइक दिस फैन अगर वो रोटेट कर रहा है रोटेशनल मोशन कर रहा है कौन सा मोशन कर रहा है रोटेशनल तो उसका एंगल चेंज होगा रोटेशन के थ्रू क्या चेंज होता है एंगल तो उस मोमेंटम का नाम क्या बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड एंगुलर वैलोसिटी ओमेगा चैप्टर नंबर सेवन ऑफ फिजिक्स इलेवन साइंस रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे ओके तब तक आपके दिमाग में ऐसा रहना चाहिए कि कोई आई था मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या है उसका पूरा बड़ा इतिहास है जो अभी हम खोलेंगे नहीं कब सीखेंगे सेवन हाँ एक बार सेवन में सीख लिया बाद में ये सेंटेंस पढ़ोगे इजी लगेगा अभी थोड़ा दिक्कत लगेगा लेकिन सेवन चैप्टर के बाद हो जाएगा क्लियर तो जैसे इतना मैं बता सकता हूँ जैसे मास होता है ना लिनियर मोशन में वैसे रोटेशनल मोशन में क्या आता है आई उसी के जैसा रोल प्ले करता है अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो वो जल्दी से वेलोसिटी गेन नहीं कर पाएगा मेरे को और हिदायत को रन करने के लिए दु... हिदायत बोलेगा मैं नहीं हूं तो भी मेरे को याद करते हैं लेक्चर देखते देखते तो हम दोनों को रन कर रनिंग करना है आया समझ में है ना तो मान लो कि दोनों का स्टेमिना सेम है स्टेमिना डिफरेंट नहीं है तो मैं फास्ट नहीं दौड़ पाऊंगा स्टेमिना सेम है मतलब कि हमारा फोर्स सेम है बट मैं फास्ट नहीं दौड़ पाऊंगा क्यों मेरा मास ज़्यादा है उसका मास तो कम है तो वो दबा दब दौड़ेगा आया समझ में तो जिसका मास ज़्यादा होता है उसका वेलोसिटी कम हो जाता है तो ये जो मास का रोल है लिनियर मोमेंट लिनियर मोशन के अंदर वैसा सेम रोल मोमेंट ऑफ तो इनर्शिया का होता है कौन से मोशन के अंदर रोटेशनल मोशन के अंदर कौन से मोशन के अंदर रोटेशनल आया समझ में जैसे एक लिनियर वेलोसिटी आता है डिस्टेंस ओवर ओवर टाइम टाइम वेलोसिटी 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 वैसे एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो जैसे आपने मास इनटू वेलोसिटी किया था वैसे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी करो एंगुलर वेलोसिटी ये दोनों का प्रोडक्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम ओके इफ इलेक्ट्रॉन हैविंग द मास इज एम ए

चैप्टर सेवन ऑफ फिजिक्स इलेवन साइंस गॉड इट तो अगर मैं आई ओमेगा की वैल्यू रख लू एम आर स्क्वेयर एन वी अपन आर तो एक आर क्या हो जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा इसलिए बोहर स्लो में हमने पता है एम बी आर इक्वल्स टू एन एच अपन टू पाई ऐसा फॉर्मूला लिखा था आइया ना एंगुलर मोमेंटम ऑफ फॉर्मिट इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ एच अपन टू पाई वही लो था ना बोहर का कॉन्टरनाइजेशन लो जब भी एन से मल्टीप्लीकेशन में आता है मैंने क्या बोला है क्वांटनाइजेशन लो प्लांग प्लांग का रेफरेंस यूज करके बोहोर ने दिया था आया ना ओके एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बाय विच मॉडल हमने स्पेक्टम्स के बारे में स्टडी किया था आगे ए, वो एमिशन स्पेक्ट्रम स्पेक्टम एब्जॉर्ब ना तो उसको हमें एक्सप्लेन करना है फॉर विच एटम हाइड्रोजन किसका लो यूज करके किसका मॉडल यूज करके बोहर्स मॉडल तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन क्वांटिटेटिवली यूजिंग बोहर्स मॉडल एमिटेड एनर्जी इन द स्पेक्ट्रम दैट इज नथिंग बट डेल्टा ई हमने ये भी स्टडी किया था प्रीवियस में वाला ओके अकॉर्डिंग टू द टू जो बोहर ने बताया था रेडिएशन एनर्जी एब्सॉर्ब इफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम फ्रॉम ऑर्बिट अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा वैसे यहाँ पे है फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेशनरी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी स्टेशनरी ऑर्बिट पूरा वर्ड लिखोगे तो आपको समझ में आएगा रेडिएशन एनर्जी इज एब्सॉर्ब किसी भी एटम के ऊपर जो रेडिएशन एनर्जी जा रही है उसको वो एब्जॉर्ब करेगा कब अगर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करता है लोअर एनर्जी स्टेशनरी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करता है पूरा सेंटेंस थोड़ा आधा अधूरा सा लग रहा था उसको पूरा कर दिया तो वो लोअर से हायर में जाना चाहता है इसलिए एनर्जी को क्या करना पड़ेगा एब्सॉर्ब एनर्जी गैप बिटवीन दिस टू ऑर्बिट इज गिवन बाई इक्वेशन दस टू वो पहले इनिशियल ऑर्बिट में था तो उसका एनर्जी कितना था ई आई जो लोवर था वहां से वो हायर एनर्जी फाइनल ही किस में जाएगा पहले वो आई ऑर्बिट में था तो ई आई एनर्जी हो गया फिर वो एफ फाइनल ऑर्बिट में जाएगा तो ई एफ एनर्जी हुआ ई एफ माइनस ई आई का डिफरेंस उसको क्या बोलते हैं डेल्टाई बट हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ई एन इक्वल टू माइनस आर एच अपन आर एच इंटू वन अपन एन स्क्वायर या डायरेक्ट आर एच अपन एन स्क्वायर आया ना एन थॉर्बिट के लिए हमने डिविजन में क्या रखा था एन स्क्वायर मानो कि वो f ऑर्बिट में है कौन से ऑर्बिट में है f ओके okay? तो एक्चुअली हमारा फॉर्मूला ऐसा था डेल्टा E इक्वल्स टू ई एफ ओवर E i तो f ऑर्बिट तो 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 के लिए वो फॉर्मूला ये जो हमने ई एन के लिए देखा था माइनस आर एच अपन एन स्क्वायर इन टू वन अपन एन स्क्वायर की जगह पे अपन एन स्क्वायर कर दिया वो और भी, वो फॉर्मूला जो है एन ऑर्बिट के लिए अगर मैं इस एन की जगह पे क्या लिखता हूँ एन एफ तो क्या हो जाएगा आर एच अपन एन एफ स्क्वायर हो जाएगा तो देखो ई एफ की जगह पे क्या आ गया आर एच अपन एन एफ स्क्वायर आ गया माइनस के साथ आया ना यस वर् फॉर्मूला का माइनस दिख रहा है फॉर्मूला का माइनस फिर जैसे मैं यहाँ पे एन एफ लिखा है वैसे मैं दूसरा आई के लिए क्या लिख सकता हूँ एन आई लिख सकता हूँ तो उसके फॉर्मूला में भी क्या आ जाएगा एन आई तो देखो माइनस आर एच अपन एन आई स्क्वायर आया है या न ओके अब माइनस माइनस आर एच दोनों में है कॉमन निकाल ले माइनस आर एच को तो यहाँ से क्या बचा वन अपन एन एफ स्क्वायर बचा यहाँ पे ए माइनस तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि माइनस आर एच कॉमन निकल गया तो यहाँ से क्या बचा वन अपन एन आई स्क्वायर क्लियर हुआ इस माइनस को अंदर ले जाओ तो माइनस था वो क्या हो जाएगा प्लस और ये जो प्लस था वो क्या हो जाएगा मतलब n2 आगे n2 पीछे बात क्लियर हुआ हां या ना आरएच का वैल्यू पढ़ा था ना प्रीवियस सेक्शन में 2.18 क्रॉस 10 रे टू -18, 18 जूल वो किसके लिए एनर्जी के लिए, लिए रिडबर्ग कांस्टेंट और एक वाला वो भी था 1.09677 वो किसके लिए वन अपॉन लमडा के लिए आया समझ में चलो सो so, दिस इज 2.18 क्रॉस

टू पॉइंट एटीन क्रॉसर्स माइनस एटीन यूनिट लिखो तो भी ठीक है ना लिखो तो भी ठीक है और ये पीछे का वैल्यू आया पीछे का वैल्यू उसको एच से डिवाइड करना है तो वैल्यू ऑफ करो बोलो जीरो पॉइंट थ्री टू नाइन ओके जीरो जीरो सिक्स है तो जीरो पॉइंट थ्री टू नाइन हुआ इन टू टेन रेस टू आया सूची ओके चलो माइनस थर्टी फोर ऊपर जाएगा तो थर्टी फोर में से एटीन कट हो जाएगा थर्टी फोर में से एटीन कट होगा तो कितना आएगा फिर मैं एक पॉइंट आगे जाऊंगा तो सिक्सटीन का कितना हो जाएगा फिफ्टीन आया थ्री पॉइंट नाइन इन टू टेन रेस टू फिफ्टीन और ऊपर का ये आ गया वन अपन एन एफ स्क्वायर माइनस वन अपन एन एफ स्क्वायर बात क्लियर हो रहा है आइया ना तो बाई दिस इक्वेशन टू पॉइंट ट्वेंटी टी ट्वेंटी का नंबर है गॉडिट हमें क्या मिल सकता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड लाइन कैन बी कैलकुलेटेड कौन सा लाइन एमिटेड होने वाला है कौन सा लाइन एब्जॉर्ब होने वाला है अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी में जा रहा है तो इस लाइन को वो क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा अगर वो हायर टू लोअर जा रहा है तो इसको क्या करेगा एमिट करेगा बात क्लियर हो रही है तो यहाँ पे एमिटेड के लिए बताया इट ना अब वो पता धीरे धीरे हम उस वैल्यू पे जाएंगे अभी मैंने बताया था कि रेडबर्ड कॉन्स्टेंट टू पॉइंट के लिए एनर्जी इसके लिए एनर्जी बट हमने वन अपन वाला देखा था ना तो वहां पे वो क्या था वन पॉइंट नाइन जीरो सिक्स सेवन सेवन ऐसा था ना यस ओ नो तो हम धीरे करके उसी पे जा रहे हैं वेव नंबर ऑफ विच लाइन दैट इज नथिंग बट एफ बार पता है ना आपको एफ बार लिखते हैं हम और वी वी यानी सॉरी न्यू न्यू यानी एंड दैट्स बट एफ बार इक्वस टू क्या है वन अपन लामड़ा तो मुझे वन अपन लामड़ा चाहिए तो ये सी कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा तो एफ बाई सी हो गया आया समझ में तो देखो एफ बार दैट इज नथिंग बट वन अपन लामड़ा इक्व टू एफ बाई सी आया समझ में या तो फिर इन लोगों ने क्या किया इसको एफ ही रखा इस फॉर्मूला में और वन अपन लामड़ा को क्या बोल देते हैं एफ बार तो एफ बार आ गया और सी का सी अब मुझे एफ बार चाहिए तो सी कहाँ चला जाएगा नीचे एफ बाई सी तो ये जो हमारा एफ बार है जनरली एफ बार मैं तो एफ बार की जगह पे वन अपन लामड़ा लिखना ही चूज करता हूँ तो वन अपन लामड़ा जो है उसको मुझे एफ को कितने से डिवाइड करना है सी से तो एफ का ऑलरेडी मेरे पास फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को मुझे किसने से डिवाइड करना है सी से तो ए वाला एज इट इज लिखेगा दिख रहा है हाँ याद हाँ उसको सी से डिवाइड करूंगा तो थ्री क्रॉस स्टैंडर्ज टू एट याद आ रहा है थ्री क्रॉस स्टैंडर्स टू एट लाइट ऑफ स्पीड यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है यूनिट लास्ट में लिखा कीजिए यूनिट्स ऑलवेज कहाँ पे लिखे लास्ट में जैसे कि ये सब ये किसका था एनर्जी था ना तो यहाँ पे जूल लिखने की या यहाँ पे हर्ज लिखने की जरूरत नहीं सीधा जूल लास्ट में जूल ही आएगा हर्ष तो आएगा ही नहीं और ये फ्रीक्वेंसी का था ना तो हर्ज इधर आएगा आया समझ में लास्ट में एकदम लास्ट फॉर्मूला में और ये वेव नंबर है तो वेव नंबर में लास्ट में क्या आएगा मीटर नंबर वेन यू डिवाइड दिस टू करो थ्री पॉइंट ट्वेंटी नाइन डिवाइड बाई थ्री ओके वन पॉइंट जीरो नाइन सिक्स 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 अब देखो ये जो हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि अगर हम सिग्निफिकेंट डिजिट को छोड़ के जाते हैं जैसे कि आगे जीरो पॉइंट थ्री टू नाइन के बाद भी काफी लंबा आ रहा था आ रहा था कि नहीं हमने छोड़ दिया इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे वन पॉइंट जीरो नाइन सिक्स सिक्स तक शायद एक सेवन तक मैच होगा उसके बाद तो सिक्स सिक्स हो रहा है ना तो ए सेवन नहीं ला सकते हाँ एक सिक्स को निकालो तो आगे का क्या हो जाएगा सेवन हो जाएगा तो यहाँ तक मैच हुआ वन पॉइंट नाइन जीरो सिक्स सिक्स सॉरी सिक्स सेवन बट हमें आगे से याद है आगे हमने किया था सिक्स सेवन तो एक्सैक्टली exactly आ गया वो इसीलिए उसी को रिडबर्ग कॉन्स्टेंट बोला दूसरा बोला नहीं है तो ए वाला हमने कब देखा था बामर लाइमन ब्रैकेट फंड ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे याद आ रहा है उसमें हमने ये वैल्यू देखा था फिर हमने बोहर का फॉर्मूला पढ़ा बोहर में टू पॉइंट एटीन प्रॉस टीस टू माइनस एटीन लिया मैथमेटिक्स यूज करते गए करते गए पहले हमने एच से डिवाइड किया तो फ्रिक्वेंसी मिला उसको सी से डिवाइड किया तो वन अपन वेव नंबर मिला और तब जाके याद आ रहा है और फिर हमने ऐसा लिखा था एन वन इक्व टू वन तो एन टू स्टार्टिंग फ्रॉम एन टू इक्व टू टू तो एन थ्री स्टार्टिंग फ्रॉम लाइमन लाइमन बामर पास वन ब्रैकेट फंड किया था ना वही का वही सेम चीज आ गया मतलब कि दो अलग अलग रिवर ऐसे फ्लो कर रही थी झाके मिल गई एक साइड पे बोहर काम कर रहा था दूसरे साइड पे लाइमन बामर पाचवन ब्रैकेट फंड ऐसे लोग काम कर रहे थे जो स्पेक्ट्रम्स के बारे में बातें कर रहे थे उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला उसका फॉर्मूला इस साइड पे बोहर बोहर के एजेप्शन क्योंकि उसने सारे एजेप्शन से दिया था पता है ना मॉडल ए दोनों यहाँ पे जाके क्या हो गया दोनों का फॉर्मूला सेम हो गया है ना सिर्फ इतना ही फर्क है ना फॉर्मूला का तो वही टाइप रहा एन वन और एन टू का ही फर्क है ना वो तो कुछ भी बोल सकते हैं हम एन वन बोल रहे हैं मतलब फर्स्ट ऑर्बिट एन टू बोल रहे हैं तो सेकंड ऑर्बिट तो यहाँ पे ऑर्बिट और एफ ऑर्बिट तो ये दोनों जाके क्या हो गया मैच मतलब कि बोहर का मॉडल वो एटोमिक स्पेक्ट्रम को क्या कर सकता है एक्सप्लेन कर सकता है आया समझ में बट ऑनली फॉर हाइड्रोजन बोहर की एक लिमिटेशन है सिर्फ किसके लिए वो मॉडल वैलिड है हाइड्रोजन सो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड तो इसीलिए बोहर का मॉडल जो है वो सक्सेस गया किसी के एक्सपेरिमेंट को बोहर का मॉडल एजप्शन का मॉडल है लेकिन फिर भी उसको क्या कर रहा है एक्सप्लेन कर रहा है कि उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इसीलिए ऐसे आए थे इसलिए बोहर को क्या मिला वैलिडेशन मिला बोहर का मॉडल जो है वो एक्सेप्ट किया गया बात समझ में आया ओके फिर धीरे 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 आगे डेवलपमेंट हुआ आगे डेवलपमेंट हुआ तो बोहर फंसने लगे हाइड्रोजन तक तो बात फिक्स थी फिर हाइड्रोजन तक बात फिक्स हो गई तो हाइड्रोजन के अलावा के एटम्स को भी वो अप्लाई किया जाएगा ना तभी बोहर फंस गए और फिर बोहर की वैलिडिटी आ गई बोहर का लिमिटेशन आ गया गॉट इट ना सो इन द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वो लोअर एनर्जी स्टेट में से कहा जा रहा है हायर मतलब आगे का नंबर वन में से टू में जा रहा है थ्री में टू में से थ्री में थ्री में से फोर में, में, में मतलब कि ऑलवेज आगे वाली नजदीक वाली ऑर्बिट में से कहा जा रहा है दूर वाली ऑर्बिट में नजदीक वाली ऑर्बिट में से कहा जा रहा है दूर वाली ऑर्बिट में बात क्लियर हुआ इन शॉर्ट एनएफ ग्रेटर देन देन क्या होगा होगा द टर्म इन इज पॉजिटिव पॉजिटिव तब ये जो टर्म्स है वो होगा। मतलब ब्रैकेट के अंदर जो वन अपन स्क्वायर है वो कैसा आएगा पॉजिटिव और इसीलिए एनर्जी के अंदर भी वो था दिख रहा है है ना अगर ये पॉजिटिव है तो एनर्जी भी पॉजिटिव चेंज इन एनर्जी इज द पॉजिटिव आया समझ में कि एनर्जी क्या हो रही है बट मान लो कि एमिशन स्पेक्ट्रम है तो वो हायर एनर्जी में से कहा आएगा, मतलब आएगा? नजदीक मतलब पहला वाला, atomic, uh, बड़ा था और फिर कौन सा है छोटा तो एनएफ इज लेस देन के अंदर जो टर्म्स था वो पहले पॉजिटिव था तो अब क्या बन जाएगा एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा negative, मतलब एनर्जी क्या हो रही है मतलब कौन सा स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम बात क्लियर हुआ आइया ना टू पॉइंट बाई द रिजबर्ग इन टू पॉइंट नाइन इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ध्यान देना अच्छे से तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई अब पूछा गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम यानी कि डिफाइनाइट दिस इज नथिंग बट एफ दिस इज न एंड इंट इसल लाइन वेदर इट इज एब्सॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम याद आ रहा है स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम जो लाइन वाला देखा था हमने एक डार्क फिर लाइन 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 दिख रहा था या तो फिर वो लाइन डार्क हो जाती थी बाकी कलरफुल दिख रहा था एमिशन और कौन सा स्पेक्ट्रम एब्सॉर्प्शन उसके अंदर जो लाइन थी ओके देट कैन बी एसोसिएटेड टू द प्रैक्ट पर्टिकुलर ट्रांजिशन ऑफ इन हाइड्रोजन एटम वो लाइन किसके अभी अभी देखो अभी जाके दो चीज मिल चुकी है एक जो हमने स्पेक्ट्रम देखा था तब हमने ऐसे साइंटिस्ट लोगों का नाम लिया था जिन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था लाइमन बामर ब्रैकेट फन उन्होंने कुछ लाइन को ऑब्जर्व किया उस लाइन के लिए एक फॉर्मुला डिराइव किया एक हमने बोहर के मॉडल्स को जाके वहां पे टच करवा लिया दोनों के फॉर्मूला मैच हो गए मतलब कि अब हमें पता चलता है कि वो लाइन्स इसलिए मिले होंगे कि हाइड्रोजन एटम्स के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर नंबर में ट्रांजिशन करता है ऑर्बिट्स में में जैसे हमने एक वो लाइन वाला देखा था से वन थ्री में से वन फोर में से वन लाइमन तो लिखा था याद आ रहा है वो एक क्वेश्चन में में पूछा था था मैं फिगर नीचे एक्सप्लेन किया था. फिर से टू फोर में से टू फाइव में से टू सिक्स में से टू बार बार वो टू में आके रुक रहा है तो बामर आया समझ में जो विजिबल रीजन में मिल रहा था ओके okay? तो वो ट्रांजिशन के अकॉर्डिंगली लाइन मिलते हैं इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिफरेंट पॉसिबल ट्रांजेक्शन कैन बी ऑब्जर्व एंड लीडिंग टू अ लार्ज नंबर ऑफ मानो कि आपने एक ही ट्यूब के अंदर जिस ट्यूब में से आप एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एबजॉर्ब कर रहे हो तो उस ट्यूब के अंदर आपने मानो कि काफी ज्यादा हाइड्रोजन एटम ले लिया है तो आपको एक साथ काफी ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस मिल सकती है एंड द ब्राइटनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ द सेम वे और फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब और एमिटेड ये जो ब्राइटनेस है एब्जॉर्ब्शन जो है उसका ब्राइटनेस या एमिशन का ब्राइटनेस मानो कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल रेड कलर का लाइट बामर को मिल रहा है तो रेड कलर का लाइट लो ब्राइट मिल रहा है ज्यादा ब्राइट मिल रहा है वो किस पर सर हमने कितने हाइड्रोजन एटम लिए है क्योंकि जितने ज्यादा हाइड्रोजन ले एटम लेंगे उतना इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन बढ़ जाएगा मानो कि वो पहला ही रेड कलर का मिल रहा था मतलब थ्री में से टू में ट्रांजिशन कर रहे हैं हमने थाउजेंड एटम लिए है उसमें से मानो की दो सौ ऐटम ऐसे है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन थ्री में से कहा आ रहा है तो वो अपने में से रेड लाइट को एमिट करेगा तो दो का रेड लाइट बाहर निकलेगा तो दो का रेड लाइट बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा इंटेंस ब्राइट हो जाएगा कि नहीं अब मानो कि हमने दस ले लिया तो अब दो की जगह पे दो में से बाहर निकलेगा तो 200 के कंपेयर में 2000 में से बाहर निकल जाए तो और ब्राइट हो जाएगा तो ये ब्राइटनेस किस पर डिपेंड्स है नॉलेज कितने हैं मैटर कितनी हमने ली है बात समझ में आया और लाइंस किस किसपे डिपेंड्स है रेड येलो वो किस पर डिपेंड्स है इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशंस पे इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में से कौन से ऑर्बिट में आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली लाइट मिलेगा बात क्लियर हो गई दिमाग में फिट हो गई आइया हाँ ना और yes नो no? है ना चलो गुड क्वेश्चन ऐसा है व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग ओके सॉरी ये तो प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल तो हम लेटर ऑन करेंगे अब भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे फोर्टी एट फोर्टी सेवन का है ये हमने कौन सा किया? 47 ही किया. तो 48 ही ना। राइट नहीं है उसकी क्या है लिमिटेशन है तो लिमिटेशन क्या है इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फर्दर फाइनल डिटेल्स वो फाइनल डिटेल्स मतलब और डिटेल में नहीं बता पा रहा स्पेक्टर लेंस के बारे में बता लगा दिया बोहर ने लाइमन बामर पासवन ब्रैकेट फंड ने जो स्पेक्ट्रल लाइन्स देखी थी उसको थियोरिकली कौन एक्सप्लेन करा है मॉडल बट बेटा उसके बाद और सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स आए और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा तो लोग और बारीका से देखने लगे एटम्स को तो उनको एक स्पेक्ट्रल लाइन्स की जगह पर डबल डबल स्पेक्ट्रम लाइन्स दिखने मिली जैसे like कभी आपने एक रेनबो देखा होगा तो डबल रेनबो दिखने मिलेगा आया ना वैसे एक स्पेक्ट्रल लाइन की जगह पे हाइड्रोजन में से कितनी डबल लाइन निकली कितनी स्पेक्ट्रल लाइन निकली दो डबल एक दिखने मिला कभी कभी तीन स्पेक्ट्रम कलेक्ट हो गए तो टिपलेट दिखने मिला अब बहुत फंसे एक था तो, तो एक्सप्लेन कर पा रहे थे या टू टू वन थ्री टू वन बट जब डबलेट और ट्रिपलेट आया तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे बात समझ में आया तो फाइनल डिटेल्स लाइक डबलेट दैट ऑफ टू क्लोजली स्पेस्ड लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व बाय यूजिंग सोफेस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ बहुत मॉडल के बाद और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी एक्सपेरिमेंट्स और आगे बढ़े तो टेक्निक से डबलेट मिलने लगे उसके बारे में वो क्या हो गया फेल वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए बोहर मॉडल से उसको एक्सप्लेन नहीं कर दिया गया दिस मॉडल इज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम्स ऑफ एटम अदर देन ये मॉडल वापस एक ही एटम्स के लिए लिमिटेड था दैट इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बाद तुरंत आने वाला हिलियम के लिए भी ये मॉडल फेल था हिलियम के स्पेक्ट्रल लाइंस को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था एटम्स और आयन इन विच हैव अ मोर देन वन इलेक्ट्रॉन बात समझ में आया हेलो ओके okay, ध्यान अब जो है जिमेन इफेक्ट विच इफेक्ट जिमेन बोहर्स थियोरी वॉज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन द प्रेजेंस ऑफ विच फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ओके सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को इफेक्ट कर सकती है इन द फील्ड ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करना और फिर स्पेक्ट्रम में क्या वेरिएशन आते हैं वो जिमेन नाम के साइंटिस्ट ने स्टडी किया था इसलिए उस इफेक्ट को कौन सा बोला जाता है बट वो फिर भी किसके लिए वैलिड है उसके अलावा वैलिड नहीं है स्टार्क इफेक्ट तो जैसे इन लोग इन जिमेन नाम के साइंटिस्ट ने मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रम का इफेक्ट देखा वैसे स्टार्क नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्पेक्ट्रम को क्या चेंज होगा वो देखा तो उसको कौन सा इफेक्ट बोल दिया गया तो बोहर बोहर्सोरी वर्स अनेबल टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन द प्रेजेंस ऑफ ओके यानी मैंने यहाँ पे गलती कर दी मैंने ऐसा बोला हाइड्रोजन को एक्सप्लेन कर लेता है और बाकी को नहीं दैट्स माई मिस्टेक सॉरी अनबल है अनेबल मतलब हाइड्रोजन के ही स्पेक्ट्रम पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट हो रहा है वो बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट हो रहा है वो बॉहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है बात समझ में आया बॉहर्स थ्योरी वर्स अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कभी कभी स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाते हैं वो क्यों हो रहा है बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ये सब बॉहर मॉडल आने के बाद एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला कि ऐसा ऐसा भी हो रहा है हा? हाँ ये, हाँ यस ये चैप्टर बहुत ही जबरदस्त है मैंने बोला इस चैप्टर को इस बार रेडी कर लो ट्वेल्थ में दो तीन चैप्टर में मार्क्स आ जाएंगे अब आज नहीं किया तो ट्वेल्थ में तो करना ही है फिर आपकी मर्जी बराबर इलेवेंथ में भी मार्क्स गवाओ और ट्वेल्थ में करना है तो फिर मिलेंगे नहीं करोगे तो बट कर लो बहुत ही अच्छा है ओके और थिंग इज थोड़ा सा बेसिक तो हम नाइन्थ में पढ़ के आए फिर थोड़ी थोड़ी चीजें हमें ऐड करनी है है ना इट कुड नॉट एक्सप्लेन एबिलिटी नहीं आएगा स्टेबिलिटी ऑफ एटम टू ओके सही सही है एबिलिटी ऑफ एटम टू होम मॉलिक्यूल्स एटम्स कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं क्यों ऐसा होता है वो बहुत मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है अब एटम्स कंबाइंड होके molecules बनाएंगे लेकिन कौन सा bond बनेगा बीच में chemical, तो बाई केमिकल बॉन्ड लिखा है तो दिस आर द लिमिटेशन वो क्या हो गए लिमिटेशन आया समझ में ओके okay, टॉपिक का नाम है टुवर्ड्स द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल लास्ट स्टेज ऑफ द एटॉमिक मॉडल दॉडल थॉम्सन से स्टार्ट किया था के के बाद के बाद बॉहर अब लास्ट टॉपिक पे आके रुके हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम विच टू डेवलपमेंट रिमूव द ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर मॉडल उसके बाद साइंस आगे बढ़ता गया बढ़ता गया दो अनदर चीजें डेवलप हुई साइंस के अंदर तो वो क्या था ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर विच इज द कॉन्सेप्ट गिवन बाई ड्रीबोगली साइंटिस्ट का नाम है इसलिए उस थ्योरी का क्या नाम बन गया ड्रीबोगली थ्योरी एंड दूसरा है प्रिंसिपल थ्योरी ये दो थ्योरी का जब डेवलपमेंट हुआ तब जाके बोहर्स के जो ड्रो थे वो निकल गए अपने आप एलिमिनेट हो गए एक थ्योरी उसमें से आज पढ़ लेते हैं दैट इज राइट अबाउट द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर या एक्सप्लेन द ड्री बोगली प्रिंसिपल एंड राइट ड्री बोगली प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन इट तो डी ब्रोगली प्रिंसिपल क्या है फ्रेंच फिजिक्स डी ब्रोगली 1924 इससे पहले कोई एक साइंटिस्ट आए थे साइंटिस्ट का नाम आपको मुझे बताना है मतलब आपको मुझे बताना है मैं बोल रहा हूं कि साइंटिस्ट ने क्या किया था कि वेव नेचर को पार्टिकल मान लिया था वेरी गुड ओके वेव नेचर को क्या मान लिया था पार्टिकल कब माना था कौन से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए वो ब्लैक प्रोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आया समझ में जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे तब आइंस्टाइन आए और हवा में एक बात बोल दी हवा में मतलब कोई प्रूफ नहीं था सीधा बोल दिया कि अगर इसका तुम पार्टिकल नेचर मान लोगे तो बात क्लियर हो जाएगी और हुई भी थी भी हमने थोड़ा स्टडी भी किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हाइया ना वो सेम कॉन्सेप्ट ट्वेल्थ में आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वापस स्टडी करना है सेम बातें आएगी कोई सेंटेंस चेंज नहीं होगा समझ रहे हो इसलिए इस चैप्टर को शांति से पढ़ाने का क्या मतलब है हार्डली लेक्चर में दो तीन ही क्वेश्चन होते हैं थर्टी टू फोर्टी मिनट्स के अंदर शांति से पढ़ाने का मतलब यही है क्योंकि मुझे पता है कि इसका इंपोर्टेंस कहाँ लेना है हमें है ना समझ रहे हो ना और इसी चैप्टर में से सबसे ज्यादा पूछा जाएगा क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर है केमिस्ट्री का इलेवेंथ के अंदर ओके चलो छोटा लग रहा है इसके बाद भी है बड़े सिक्स और सेवन बट कॉन्सेप्ट वाइज ये बड़ा है ओके बाकी है अभी भी, भी। इन शॉर्ट इलेवंथ सबसे बड़ा है इलेवंथ अगर अच्छे से कर रहे हो तो सुन लो ट्वेल्थ तो चुप चुटके में हो जाएगा बट द थिंग इज वर्ट वापस आते हैं अगर आइंस्टीन ने ऐसा बोला कि जो वेव है वो पार्टिकल है तो किसी का दिमाग भी तो ऐसा दौड़ेगा ना कि जो पार्टिकल को क्या बनाएगा और वो दिमाग था द्विपोगली का तो ड्रीबोगली ने 94 में क्या प्रपोज किया मैटर लाइक रेडिएशन शुड एग्जीबिट ड्यूअल बिहेवियर जैसे रेडिएशन ड्यूअल बिहेवियर को एग्जिबिट कर रहा है वैसे मैटर भी जो है वो कौन सा बिहेवियर एग्जिबिट करेंगे ड्यूअल, ड्यूअल करेंगे. बिहेवियर का मतलब है पार्टिकल भी रहेंगे और वेव भी रहेंगे जो रियल में वेव थे वो पार्टिकल बन गए तो जो रियल में पार्टिकल थे वो क्या बन जाएंगे मोमेंटम एज वेल एज वेवलैंड देखो अगर आपके पास वेव है पहले से वेव तो वेव को डिफाइन करता हुआ फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है वेवलेंग. कौन सा है वेवलेंग. वेवलेंग, बोलते याद है ना और कोई पार्टिकल होता है क्या होता है पार्टिकल तो उस पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता हुआ पार्टिकल के पास मास होता है तो मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम जिसको पी बोलते हैं तो पार्टिकल का प्रॉपर्टी कौन है मोमेंटम वेवलेंथ का प्रॉपर्टी कौन है तो फोटोन इज पार्टिकल ऑफ वेव तो फोटोन के पास पार्टिकल नेचर में मोमेंटम भी है और वेव नेचर में क्या है वेवलेंथ तो जो रियल में रेडिएशन था उसके पार्टिकल के पास दोनों आ गया

H MD, आ थर्टी फोर का? का लिखते वक्त ध्यान रखो लिख के आते हो लेकिन वैल्यू याद नहीं रहती मतलब की प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन से नहीं लिखा ध्यान रखो मोमेंटम को दूसरा क्या बोल सकते हैं पी क्या बोल सकते हैं पी अब बेटा इसका प्रूफ क्या है

और इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा दिखने मिला इसीलिए इसका मतलब ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन कौन सा नेचर कंसिस्ट कंजिस्ट वेव नेचर कौन सा नेचर कंसिस्ट करते वेव लिमिटेशन क्या है अकॉर्डिंग टू बोगली एवरी ऑब्जेक्ट इन अ अ मोशन हैज विच कैरेक्टर वेव बट द देंथ एसोसिएटेड विथ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट लाइक अस मैं अगर मोशन में आ जाऊं तो मैं मोशन में आ गया मतलब मेरा मोमेंटम जनरेट हुआ एम इंटू वी तो मेरा भी लामड़ा एक वस्तु एच अपन एम बी बन सकता है लेकिन मेरे साथ जो वेवलेंथ है वो काफी कम होगी इसका रीजन भी है लामड़ा इक्वल टू एच अपन एम बी तो इस एच का पावर टेन एच टू माइनस थर्टी फोर था आया समझ में मैं ज्यादा से ज्यादा मेरा मोमेंटम देखो मेरा मास है हंड्रेड किलोग्राम जस्ट फॉर एग्जाम्पल नहीं है मान लो कि हंड्रेड है और वेलोसिटी भी मैं हंड्रेड मीटर पर सेकेंड मतलब समझ लो कि मैं प्लेन से भाग रहा हूँ हंड्रेड मीटर पर सेकेंड एक सेकंड में कितना मीटर कवर कवर करना है हंड्रेड मतलब मैं प्लेन से भाग रहा हूँ क्योंकि 60 मिनट में तो सिक्सटी टू मीटर 6 किलोमीटर एक मिनट में 60 किलोमीटर भागना है या 6 किलोमीटर भागना है बट तो मतलब कि मुझे प्लान में ही बैठना पड़ेगा आया ना तो भी ये 100 100 कितना हुआ 10 टेन रेस टू फोर पावर टेन एच टू फोर ऊपर चला जाएगा तो टोटल कितना बचेगा टेन रेस टू माइनस थर्टी दिस इज वेरी शॉर्ट वेव मतलब मेरे लिए वेव का कोई मतलब तो सर इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों है तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है टेन रेस टू माइनस थर्टी याद आ रहा है थर्टी ऊपर चला जाएगा तो अल्टीमेटली सीधा कितना हो जाएगा इसीलिए वो बड़ी वेवलेंथ मिलेगी आया हाँ ना समझ में सो इट इज सो शॉर्ट बिकॉज ऑफ दार्जर मासस मेरा और इलेक्ट्रॉन का मास का ही डिफरेंस है लेकिन मैं हंड्रेड के था इलेक्ट्रॉन तो माइनस में है के जी के अंदर एंड देर वेव प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी डिटेक्टेड ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट में वेव प्रॉपर्टी नहीं आएंगे वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन्स और अदर सब एटोमिक पार्टिकल्स जो एटम्स के अंदर के पार्टिकल्स है जिनका मास बिल्कुल कम है उनके लिए वेव प्रॉपर्टीज जो उनका मास बहुत कम है उनके लिए वेव प्रॉपर्टीज हम डिटेक्ट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली बात क्लियर हुई हाई ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दूसरा कौन सा बाकी हाइजन जो कल पढ़ेंगे और फिर धीरे करके चैप्टर के एंड की ओर जा रहे हैं हम अभी भी चैप्टर एंड में नहीं है लेकिन चैप्टर के एंड की ओर एटोमिक मॉडल को डेवलप करते जाने वाले हैं एटॉमिक मॉडल डेवलप करने के बाद भी कुछ दो तीन पेज पढ़ने हैं ऐसा नहीं कि चैप्टर खत्म हो जाएगा ओके okay? चलो गुड